हेलो प्यारे बच्चों, हम 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 कर रहे हैं, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। पिछली बार हम इसकी एक्सरसाइज 7.1 कर चुके हैं, जिसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन और ट्रिपलेट्स बनाने के बारे में सीखा था। आज हम क्यूब रूट कैसे ढूंढें उसके बारे में जानेंगे, फाइंडिंग क्यूब रूट्स, क्यूब रूट कैसे ढूंढें। तो क्यूब रूट ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्यूब रूट होता क्या है और इसको ढूंढने का तरीका उसके बाद हम समझेंगे। सबसे पहले हम एक क्यूब ले लेते हैं। आप एग्जांपल मान लीजिए कि ये एक क्यूब जो है, इसका वॉल्यूम है, आप मान लीजिए 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर इसका वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है, आपको पता है एक क्यूब में जो होता है सारे साइड्स जो हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। इसके लेंथ, इसकी ब्रेड्थ और इसकी हाइट जो है वो सब बराबर है। तो हम लेंथ ब्रेड्थ हाइट ना लिखकर इसमें साइड लिखते हैं, ठीक है, वो आपको पता है। और एक क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, ठीक है, ये भी आपको पता है। तो अब हमें अगर एक क्यूब का वॉल्यूम दिया गया है तो हमें क्यूब का साइड निकालना है। तो हमें क्या दिया गया है, साइड क्यूब दिया गया है, वो है 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसका साइड निकालना है। तो साइड निकालने के लिए हमें तीन ऐसे नंबर चाहिए जो एक जैसे हों और जिनका प्रोडक्ट 125 हो, ठीक है। तो हम वो नंबर ढूंढेंगे, लेकिन कैसे ढूंढेंगे, तो इसी के लिए हमें क्यूब रूट की ज़रूरत पड़ी। क्यूब रूट हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। स्क्वायर रूट की तरह हम पहले स्क्वायर रूट का साइन डालते हैं, फिर यहाँ पर जो स्पेस यहाँ पर है, यहाँ पर 3 लिखते हैं, ठीक है। तो हम समझ गए कि क्यूब रूट क्या है और क्यूब रूट की ज़रूरत हमें क्यों है, ठीक है। अब आगे है, हम क्यूब रूट कैसे निकालें, ठीक है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे इजीएस्ट मेथड जो हमारे पास है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब इसी का हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 125 का। इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप सबको आता है, आप सबने किया हुआ है, पहले भी किया है, और स्क्वायर रूट निकालने के टाइम भी आपने वो कर रखा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन नए से समझाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। सबसे छोटे प्राइम नंबर से 125 को डिवाइड करेंगे, जिससे ये डिविजिबल है। 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से है। हम लिखेंगे 5 25s are 125, फिर लिखेंगे 5 5s are 25, फिर लिखेंगे 5 1s are 5। तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 125 की, 5 × 5 × 5। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें जैसे हम स्क्वायर रूट में पेयर्स बनाते थे, यहाँ हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब है ग्रुप ऑफ 3, तीन का ग्रुप। और तीन के ग्रुप के बदले जब हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5। यह हमने कैसे निकाला, इन तीन के बदले एक बार 5 लिखना है। अगर 5 के साथ और कोई नंबर मल्टीप्लाई होता, वो भी 3 बार होता, तो उसके बदले भी एक ही नंबर लिखना था, वो इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। तो ये तरीका है क्यूब रूट निकालने का। तो हमारे पास जो क्यूब रूट हम निकालते हैं, उसको करने का और एक तरीका भी है, जो हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हम सीखेंगे। फिलहाल आप एक तरीका जो है प्राइम फैक्टराइजेशन वो समझ लीजिए। इसके बाद ये देखिए टेबल मैंने बना रखा है कि पहले 10 नंबरों का क्यूब क्या है, और उस हिसाब से फिर उनका क्यूब रूट वही नंबर वापस है। तो ये आपको याद भी रखने हैं, आपको आगे पता चलेगा कि इसको याद रख के आप किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट कितनी जल्दी से निकाल सकेंगे। अभी फ़िलहाल आप प्राइम
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट निकालेंगे और एक्सरसाइज में भी यही रिक्वायरमेंट है। सिर्फ लास्ट के क्वेश्चन में हम क्यूब रूट एक स्पेशल मेथड से निकालेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा। वो तरीका ऐसा है जिससे आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट चंद सेकंडों में निकालेंगे। ठीक है, तो हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 7.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो नीचे दिए गए नंबर हैं इनका क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए। बिल्कुल आसान है, जैसे आप स्क्वायर रूट निकाला करते थे बिल्कुल वैसे ही क्यूब रूट भी निकालना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्क्वायर रूट में आप पेयर्स बनाते थे और क्यूब रूट में आप ट्रिपलिंग या तीन का ग्रुप बनाएंगे। तो वैसे ही 64 पहला है पार्ट, आप 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। तो ये देखिए, इस साइड मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला हुआ है। इसके बाद जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन नीचे लिखेंगे तो उसको तीन तीन के ग्रुप में बांटिए, या तो नीचे बार लगाइए या ब्रैकेट लगाइए नीचे की ओर, ऐसे 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 तीन तीन का ग्रुप। जब आपने उसको तीन तीन के ग्रुप में बांट लिया, उसके बाद क्यूब रूट कैसे निकालना है कि जो ये तीन है इसके बदले एक टू, और जो ये तीन टू हैं इसके बदले एक और टू। जितने भी तीन तीन के ग्रुप में नंबर होंगे, तीन के बदले हमें एक लिखना है, वही इसका क्यूब रूट होगा। तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा, 2 × 2 यानी 4। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 512 का क्यूब रूट निकालना है। बिल्कुल वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कंप्लीट कर ली, उसके बाद हमें ट्रिपलिंग करनी है, ग्रुपिंग ऑफ थ्री करनी है, तीन तीन के ग्रुप में इनको बांटना है। तीन तीन के ग्रुप में हमने इनको बांट लिया, उसके बाद जितने नंबर होंगे तीन तीन के ग्रुप वाले उनके बदले एक एक नंबर लिखना है। ठीक है, हमने उनके बदले एक एक नंबर लिख लिया, और उनका प्रोडक्ट निकालना है 2 × 4 × 8। तो इसका हमारा क्यूब रूट आ गया 8। 512 जो है उसका क्यूब रूट क्या आया हमारा, 8 आया। इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 10648। तो 10648 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो सबसे पहले वाली क्वेश्चनों की तरह इसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन में कोशिश करनी है पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, उसके बाद उससे बड़े, फिर उससे बड़े, जबकि छोटे से नहीं होगा फिर उससे बड़े से। ठीक है, तो उससे आपकी ग्रुपिंग आसान हो जाएगी। जैसे पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, और जब तक 2 से डिवाइड हुआ तब तक 2 से ही डिवाइड करता रहा। उसके बाद अगला प्राइम नंबर जिससे ये डिवाइड होता है वो है 11, तो फिर तीन बार 11 से डिवाइड हुआ, तो हमारी ग्रुपिंग जो है वो आसान हो गई, यहीं से ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। तो हमने ग्रुपिंग कर ली, तीन तीन की ट्रिपलिंग कर ली। ट्रिपलेट्स बनाने के बाद हम इन तीन में से एक, इन तीन में से एक नंबर लेंगे, तो हमारा जो इसका क्यूब रूट है वो आएगा 22। उसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 27000। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट हमें निकालना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, छोटा पहले बड़ा बाद में। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने की तो हमें तीन बार 2 मिला, तीन बार 3 मिला, तीन बार 5 मिला। ठीक है, तो हमने एक बार 2 लिया, एक बार 3 लिया, और एक बार 5 लिया, तो हमारा 2 × 3 आ गया 6, 6 × 5 = 30। तो क्यूब रूट 30 का 27000। आप इस क्वेश्चन को ज़बानी भी कर सकते हो, एग्ज़ाम में आप इसको चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा 27000, सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि तीन ज़ीरो जो हैं वो एक परफेक्ट क्यूब के एंड में हो सकते हैं, और तीन ज़ीरो काट के बाकी बचा 27 का
क्यूब रूट है 3, तो 3 0 के बदले 1 0 लिखा तो इसका क्यूब रूट होगा 30। ये भी एक तरीका है इसको करने का। फिर अगला पार्ट हमारे पास है 1 5 6 2 5 1 5 6 2 5 का हम क्यूब रूट निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन एज यूजुअल, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाली, हमें 6 बार 5 आया तो हम 3 3 के ग्रुप में इसको डिवाइड करेंगे। 3 3 के ग्रुप में डिवाइड करने के बाद हर 3 5 के बदले 1 5, हर 3 5 के बदले 1 5, तो हमारे पास आ गया 25। क्यूब रूट ऑफ 1 5 6 2 5 आ गया 25। इसके बाद अगला पार्ट है 13,824। 13,824 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो हमारे पास कितनी बार 2 आया, 9 times 2 आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 times 2 और 3 times 3 आया, तो 9 बार 2 आया, 3 बार 3 आया। तो हर 3 बार 2 के बदले हम 1 बार 2 लिखेंगे जब हम क्यूब रूट निकालेंगे, और 3 बार 3 के बदले 1 बार 3, तो हमारे पास आया इसका क्यूब रूट 2 into 2 into 2 into 3, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24, तो इसका क्यूब रूट हमारे पास 24 आया। किसका? 13824 का क्यूब रूट आया 24। उसके बाद हमारे पास सेवन्थ पार्ट है 110592, 110592, तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसके बाद इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की ग्रुपिंग हमने करनी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की ग्रुपिंग हमने 3 3 की कर ली, तो हमारे पास इसका क्यूब रूट आता है 2 into 2 into 2 into 2 into 3, तो ये आता है 48। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 46656, तो 46656 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के हमने इसकी ग्रुपिंग की 3 3 की। उसके बाद इस ग्रुप में से 1 2, इस ग्रुप में से 1 2, इस ग्रुप में से 1 3, इस ग्रुप में से 1 3, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 हमारा इसका क्यूब रूट आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास है 175,616, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाल ली। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमने इसकी ग्रुपिंग भी कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास 3 बार 2 और 1 बार 7 आया, तो इसका क्यूब रूट हमारे पास आया 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 7 ज़ा 56, 56 हमारे पास इसका क्यूब रूट आया। इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 91125, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल ली। जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाली उसमें 3 times 3, फिर 3 times 3, फिर 3 times 5 आया, 3 times 3 के बदले 1 बार 3, फिर 1 और बार 3, 1 बार 5 आया। इनका प्रोडक्ट जब हमने निकाला तो हमारे पास आया 45, तो हमारा क्यूब रूट है 45। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, बताइए सही या गलत। पहला पार्ट है क्यूब रूट ऑफ एन ऑड नंबर इज इवन, एक ऑड नंबर का क्यूब रूट इवन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल गलत। आप किसी भी ऑड नंबर का क्यूब रूट ले लीजिए, एग्जांपल 125, इसका क्यूब रूट है 5 जो कि ऑड है, और 125 भी ऑड है। जो एक ऑड नंबर है उसका क्यूब रूट कभी भी इवन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट इवन नंबर ही होता है, और क्यूब रूट भी एक नंबर को 3 बार अपने आप के साथ ही प्रोडक्ट करने का रिजल्ट है। उसके बाद अगला पार्ट है ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़, ये बिल्कुल सही है। एक परफेक्ट क्यूब कभी भी 2 ज़ीरो के साथ एंड नहीं होगा। आप कभी भी देख लीजिए, अगर आप 10 का क्यूब निकालेंगे
तो 10 का क्यूब आता है हमारे पास 1000, 1000, तो ये तीन जीरोस के साथ एंड होगा। जो भी सिंगल ज़ीरो वाले हमारे नंबर्स हैं उनका अगर हम क्यूब निकालें तो वो तीन ज़ीरों के साथ एंड होगा और उसके बाद छः ज़ीरों के साथ, तो कभी भी दो ज़ीरो वाला परफेक्ट क्यूब हमें नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला पार्ट है, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। तो ये बिल्कुल सही है, आप कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके एंड पे 5 हो। हम लेते हैं 5 जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल में किया, तो 5 का क्यूब है 125, तो इसके एंड में 25 आया। इसका कहने का मतलब है अगर किसी भी नंबर के एंड में 5 है तो उसके क्यूब के एंड में 25 होगा। और एक नंबर ले लेते हैं बड़ा 25, 25 का क्यूब आता है हमारे पास 15625, तो इसके एंड में 25 आ गया। ठीक है, इसके एंड में 5 था, इसके एंड में 25 आया, तो हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद अगला हमारे पास पार्ट है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से ख़त्म होता हो, ये तो गलत है, फॉल्स है। अगर हम छोटा परफेक्ट क्यूब देखें 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 8 ही आता है, तो ये तो खुद 8 से एंड होता है। और हम इसके आगे बड़ा नंबर देखें 12 का क्यूब, तो 12 × 12 × 12 12 12 = 144 144 × 12। जब हम 144 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 1728, तो ये भी 8 के साथ एंड होता है। जिस भी नंबर के एंड पे 2 है उसकी क्यूब के एंड पे ज़रूरी 8 होगा। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है कि 8 से एंड होने वाला नंबर कभी भी एक परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ ए 2-डिजिट नंबर मे बी ए 3-डिजिट नंबर। एक 2-डिजिट नंबर उसका क्यूब 3-डिजिट नंबर हो सकता है। चलो हम सबसे छोटा 2-डिजिट नंबर देख लेते हैं, वो है 10। 10 का क्यूब क्या है, वो है 1000, 1000, जो कि एक 4-डिजिट नंबर है। तो अगर हम सबसे छोटे 2-डिजिट नंबर का क्यूब देखें तो वो सबसे छोटा 4-डिजिट नंबर है, तो इससे छोटा कोई भी 2-डिजिट नंबर नहीं है। तो इससे बड़ा जो भी नंबर होगा उसका क्यूब या तो 4-डिजिट होगा या 4-डिजिट से ज़्यादा होगा, 3-डिजिट नहीं हो सकता। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है कि किसी 2-डिजिट नंबर का क्यूब 3-डिजिट हो सकता है। द क्यूब ऑफ ए 2-डिजिट नंबर मे हैव 7 or more digits। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हम देखते हैं एक एग्जांपल से। यहाँ लिखा है 2-डिजिट नंबर, 2-डिजिट नंबर का क्यूब जो है वो 7 digit का हो सकता है या 7 से ज़्यादा digit का हो सकता है, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने अभी देखा सबसे छोटे 2-डिजिट नंबर यानी 10 का क्यूब, अब हम देखेंगे सबसे बड़े 2-डिजिट नंबर का क्यूब। हम एक काम करते हैं, सबसे बड़े 2-डिजिट नंबर का क्यूब नहीं लेते हैं, हम सबसे छोटे 3-डिजिट का क्यूब लेते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम सबसे बड़े 2-डिजिट का क्यूब लेंगे वो है 99 का क्यूब। 99 का क्यूब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम इसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम कम से कम टाइम में ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो हम सबसे छोटे 3-डिजिट का क्यूब लेंगे, वो है 100 का क्यूब। तो 100 का क्यूब बहुत आसान है निकालना, एक तो 1 आएगा और 00000, ये 100 का क्यूब है। ठीक है, जितने बार भी 0 है उसकी 3 गुना आपको लिखना है, 1 गुना 2 गुना 3 गुना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ये कितने डिजिट वाला नंबर है, 1s, 10s, 100s, 1000s, 10000s, 10 lakh, 10 lakh। ये 10 लाख है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 7 digits। आप अगर इसको गौर से देखें तो ये सबसे छोटा 7-डिजिट नंबर है। ये हमारे पास जो है ये है स्मॉलेस्ट 7-डिजिट नंबर। ठीक है,
इससे छोटा 7 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई भी नंबर होगा वो 6 डिजिट का होगा। इसका मतलब सबसे छोटे 3 डिजिट नंबर का क्यूब सबसे छोटा 7 डिजिट नंबर है। इससे हमें क्या समझ आया कि सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर भी अगर होगा उसका क्यूब 7 डिजिट नंबर कभी भी नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। एक डिजिट वाले नंबर का क्यूब एक डिजिट वाला नंबर भी हो सकता है। तो देख लेते हैं, सबसे छोटा एक डिजिट नंबर है 1, 1 का क्यूब है 1 × 1 × 1 हो गया 1, सही। उससे बड़ा 2 डिजिट नंबर है 2, उसका क्यूब है 2 × 2 × 2 हो गया 8, ये भी एक डिजिट है। इसके आगे जो एक डिजिट नंबर है 3, उसका 2 डिजिट है। तो हो सकता है 1 डिजिट नंबर का क्यूब 1 डिजिट भी हो सकता है। तो ये हम लिखेंगे ट्रू। अब हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अभी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी निकाल सकते हो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ये गारंटी है कि जो ट्रेडिशनल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड, उससे ये क्विकली जो है क्यूब रूट आप निकाल पाओगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना है, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे हम ये समझ लेंगे। तो क्वेश्चन है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट। अगर आपको बताया जाए कि 1331 जो है वो एक परफेक्ट क्यूब है, लेकिन आपको इसका क्यूब रूट प्राइम फैक्टराइजेशन के बगैर बताना है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 और 32768। तो बाकी जो नंबर 3 और दिए गए हैं इनका क्यूब रूट भी गैस कीजिए। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी उससे पहले कि आपको ये क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसमें ये टेबल काम आएगा। तो ये टेबल जो है ये है क्यूब्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का क्यूब। अगर आप गौर से देखें इस टेबल को तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन का मतलब है एक का क्यूब है 1, एक का क्यूब 1 है, ठीक है। और जिस भी नंबर के पीछे 1 है उसके क्यूब के पीछे 1 होगा। अगर 2 है किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे तो उसके क्यूब के वंस प्लेस पे 8 होगा। इसी तरह अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 3 है उसके क्यूब के वंस प्लेस पे 7 होगा। 4 वाले के 4 होगा, 5 वाले के 5 होगा, 6 वाले के 6 होगा, 7 वाले के 3 होगा। इसी तरह से 8 वाले के 2 होगा, 9 वाले के 9 होगा और 10 वाले के 0 होगा। ये आपको याद रखना है। अगर हो सके तो 1 से 10 तक के नंबरों का क्यूब भी आप याद रखिए। इससे आप किसी भी बड़े नंबर का क्यूब रूट जो है वो एकदम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। अब आ जाते हैं ट्रिक पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी 1331 से हम शुरू करेंगे। यहाँ बताया गया है कि 1331 का क्यूब रूट 11 है, वहीं से बताया गया क्वेश्चन में, लेकिन हम इसको ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक से कैसे निकालेंगे ये आप देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ग्रुपिंग करनी है, ग्रुपिंग इन 3, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम वंस प्लेस मतलब फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट, दाएं से आपका जो दायां है दाएं से बाईं की ओर ग्रुपिंग करनी है। जैसे अगर यहाँ पर 1331 दिया हुआ है तो आपको यहाँ से ग्रुपिंग शुरू करनी है। तो 3 का ग्रुप बनाना है, ट्रिपलेट, 331 एक ट्रिपलेट में आएगा, 1 अकेला रह जाएगा। इसके बाद क्या करना है, ये स्टेप 1 हो गया।
स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में जो दो ग्रुप बने उसमें देखना है पहले ग्रुप के वंस प्लेस पे क्या है और दूसरे ग्रुप में क्या नंबर है। पहले ग्रुप के वंस प्लेस पे हमारे पास है वन, ये देखिए वन है, तो हमें ऊपर टेबल में देखना है, या याद अगर हमें हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। हमें ऊपर टेबल में देखना है अगर क्यूब के वंस प्लेस पे वन हो तो क्यूब रूट के वंस प्लेस पे क्या होगा। हम देखते हैं, इधर हम देख रहे हैं कि वन का क्यूब वन है, बाकी किसी का भी क्यूब जो है वो वन से ख़त्म नहीं होता, उसके वंस प्लेस पे वन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं पक्का कि इसका जो क्यूब रूट होगा उसके वंस प्लेस पे वन है। ठीक है, ये एक स्टेप हमारा हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का दूसरा स्टेप, और इस दूसरे स्टेप का आधा स्टेप ये हो गया। उसके बाद इस दूसरे स्टेप का और आधा स्टेप क्या है, वो ये है कि बाकी जो ट्रिपलेट के बाद इधर बचा वो है वन। वन क्या, वन किसी का क्यूब रूट है? हाँ, वन का क्यूब रूट है, क्योंकि वन का क्यूब वन के बराबर है, तो ये वन हम सीधे लिख देंगे। इधर से हमें पता है वन प्लेस पे वन है, तो ये वन भी हम लिख देंगे, हमारा क्यूब रूट आ गया 11। सिंपल, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत आसानी से ये समझ भी आ जाएगा और आप फटाफट किसी का भी क्यूब रूट निकाल पाओगे। इसके बाद इसको ज़्यादा समझने के लिए आप इसका अगला पार्ट कीजिए, वो है 4913। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने ये टेबल साथ में पेस्ट कर दिया है, तो ये आप साथ साथ में यूज़ कर सकते हैं, इस टेबल को याद रख सकते हैं। आपके लिए मैंने यहाँ पर ये रख दिया है। तो 4913 को बिल्कुल पुराने पार्ट की तरह ही हम ग्रुपिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ तीन का ग्रुप कर दिया, यहाँ एक रह गया। तीन का ग्रुप करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी वंस प्लेस पे थ्री है। इस टेबल में हम देखते हैं ज़रा कि वंस प्लेस पे थ्री किस नंबर पे है। अगर वंस प्लेस पे थ्री हो तो उसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे क्या होगा। यहाँ देखिए, वंस प्लेस पे थ्री हो तो क्यूब रूट के वंस प्लेस पे सेवन है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इसके क्यूब रूट के वंस प्लेस पे सेवन होना चाहिए। ठीक है, तो हमने सेवन लिख दिया। अब यहाँ पर जो नंबर बचा ग्रुपिंग के बाद वो फोर है, तो हम देखेंगे फोर किसके क्यूब और किसके क्यूब के बीच में आता है। मतलब हुआ वन का क्यूब इधर है वन, और टू का क्यूब इधर है एट, तो फोर इन्हीं दोनों के बीच में है, वन और एट के बीच में। ठीक है, तो हम लिखेंगे वन क्यूब जो है वो फोर से छोटा है, लेकिन फोर जो है वो टू क्यूब से छोटा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे। अब जब एक क्यूब और दूसरे क्यूब के बीच में आपका नंबर है जो बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उस नंबर को छोटा वैल्यू देंगे। मतलब हुआ वन क्यूब और टू क्यूब के बीच में फोर है, तो आप वन लेंगे। ठीक है, तो वन जो है वो लेंगे हम, तो हमारा आंसर आ गया 17। तो 17 का क्यूब जो है वो 4913 के बराबर है। ठीक है, ये आप चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। अब हम 12167 जो हमें अगला पार्ट दिया गया है उसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करते हैं इसी मेथड से। तो फिर से पहले दो क्वेश्चंस की तरह इसकी हम ट्रिपलिंग करेंगे, 167 एक ग्रुप, 12 जो बच गया वो दूसरा ग्रुप। 167 के लास्ट में 7 है, तो हम देखेंगे कि लास्ट में अगर किसी क्यूब के 7 है तो क्यूब रूट के लास्ट में क्या होना चाहिए। इधर आप देख सकते हो 27 के लास्ट में 7 है, तो इसका जो क्यूब रूट है उसके लास्ट में 3 है। ठीक है, तो इसके भी क्यूब रूट के लास्ट में 3 होगा, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब दूसरा नंबर हमारे पास बचा 12। 12 किसके बीच में आता है, अगर हम देखें 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, और 3 का क्यूब 27 है। 12 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में आता है, तो हम छोटा वाला वैल्यू देंगे 2,
तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, समझ गए आप। तो इसका आंसर आ गया 23, 12167 का क्यूब रूट 23 है। इसके बाद अगला पार्ट हमारे पास है 32768, 32768 जो है इसकी हम पहले ट्रिपलिंग करेंगे, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह तीन तीन की ग्रुपिंग, 768 एक ग्रुप में और बाकी बचा 32 वो दूसरे ग्रुप में, क्योंकि यहाँ 768 लास्ट है, लास्ट में 8 है, तो हम देखेंगे इसके क्यूब रूट के लास्ट में क्या होगा। अगर हम इधर टेबल पे नज़र डालें तो लास्ट में 8 अगर हो तो क्यूब रूट के लास्ट में 2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके क्यूब रूट के लास्ट में भी 2 होगा, बाकी बचा 32। अगर हम क्यूब्स की बात करें तो 3 क्यूब 27 है और 4 क्यूब 64 है, तो 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में 32 की वैल्यू आएगी। हम छोटा वाला वैल्यू देंगे 3 और इधर से आपको पता है 2, तो हमारा आंसर आ गया 32। तो हम बोलेंगे 32768 का क्यूब रूट 32 है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 भी ख़त्म हो गई और हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया।